photo, airbrush button. If come back with one casting, if sim home screen. Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. सो गाइस, मैं हूं कुलदीप और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इंटरेस्टिंग टेक फॉर VI। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की ये वीडियो टेलीग्राम से रिलेटेड होने वाली है और टेलीग्राम के हिडन फीचर्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप किसी मैसेज को टेलीग्राम पर शेड्यूल कर सकते हैं बिना किसी अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बिना, और किस प्रकार से आप सेंड मैसेज विदाउट साउंड कर सकते हैं, यानी कि आपका मैसेज तो सेंड होगा लेकिन जिसके पास आप मैसेज सेंड करेंगे उसके जो फ़ोन में मैसेज रिंगटोन नहीं बजेगा, केवल आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप सब जानते हैं तो हमारे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जो लोग नहीं जानते हैं वो वीडियो के एंड तक बने रहें, तभी आप इजीली इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम टेलीग्राम में। Telegram. Group, icon, channel, Android, bot, group, Android. अब हमारे सभी ग्रुप, बॉट्स, चैनल सब कुछ शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जिस भी ग्रुप में आपने मैसेज सेंड करना है उस ग्रुप में या चैट में उसमें जाना है। Group, sub for channel, group, technic channel, line tech community, set November 11th at 12:13. Group, technical handy, group, icon, six. तो एक ग्रुप में मैं आइकन ग्रुप है ये, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। आइकन डबल टैप बन मैसेज। अब यहाँ पे emoji, stick, message edit box. अब मैं बता दूँ गाइस, आप वॉइस मैसेज में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि विदाउट साउंड आप मैसेज सेंड कर पाएं, पर आप टेक्स्ट मैसेज में ऐसा कर सकते हैं। Attach record voice message edit box. अब मैसेज पे हमने क्लिक करना है। Showing English, US, QW. अब आपने जो भी मैसेज सेंड करना है आप उस मैसेज को यहाँ पे लिखें। जैसे मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, पर सेंड पे हमें क्लिक नहीं करना है, सेंड पे हमने लॉन्ग प्रेस करना है। सेंड बटन, डबल टैप, सेंड बटन पे हम लॉन्ग प्रेस करते हैं। कीबोर्ड हिडन, पॉपअप विंडो। अब यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्केड्यूल मैसेज, सेंड विदाउट साउंड। तो ये दो ऑप्शन है जो हिडन ऑप्शन है, जिनके बारे में सभी लोगों को नहीं पता होता। स्केड्यूल मैसेज यानी कि आप मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं किसी भी टाइम के लिए। कैसे कर सकते हैं अब हमारा जो करंट टाइम है वो टाइम हमें शो हो रहा है। टुडे यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है, इस पे डबल टैप करते हैं। 5 hours today. अब आपने क्या करना है गाइस, टुडे पे हमने लॉन्ग प्रेस करना है। अगर आपने आज ही सेंड करना है, जिस दिन आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो आप टुडे ही रहने दें, और अगर आपने किसी नेक्स्ट डे के लिए करना है तो आपने इस पे लॉन्ग प्रेस करना है, और लॉन्ग प्रेस करते हुए ही अपने फिंगर को स्वाइप अप करना है। November 5, November 28, slider. Swipe up. तो जितनी बार आपके फोन में वाइब्रेशन होगी उतनी बार डेट आगे बढ़ती जाएगी। अगर आप समझ ना पाए हो तो हमें कमेंट कीजिएगा कि किस तरह से आप स्लाइडर को इंक्रीज कर सकते हैं। 5 hours, slider. अब 5 hours है यानी कि अभी 5 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, तो हमें लॉन्ग प्रेस करना है 5 hours में, और
इसे स्वाइप अप करना है अपने फिंगर को, एक फिंगर से लॉन्ग प्रेस करना है डबल टैप करके और फिंगर को स्वाइप अप करना है। देखिए वाइब्रेट हुआ एक बार, फिर दो बार वाइब्रेट हुआ। इसी तरह से आप जितनी बार जितने आवर्स इंक्रीज करना चाहते हैं आप उतनी बार स्वाइप अप करें। जैसे हमने 10 बार मतलब 5 बार वाइब्रेट हुआ और 40 minutes, 10 hours, slide. 10 hours में हमारा स्लाइडर चला गया है 40 minutes, slider. और ये 40 minutes में है। अब 10 hours में 00 में करना चाहता हूँ, यानी कि पूरे 10 बजे सेंड करना चाहता हूँ, तो इस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे। ट्वेंटी फाइव मिनट्स हुआ, फिर दोबारा लॉन्ग प्रेस करके स्वाइप डाउन करेंगे। 13. फिर दोबारा लॉन्ग प्रेस करके हम स्वाइप डाउन करेंगे। 04 01 00 10 minutes slider 10 hours slider. अब देखिए गाइस 10 बज के 10 o'clock पे हमारा ये शेड्यूल हो गया है November 28th के लिए। Send on November 28th at 10:00 button. Send on November 28th at 10:00. हम इस पे क्लिक करते हैं। Slow mode. This text is too long to send as one message. Slow mode is active. You can't send more than one message at once. Okay. अब स्लो मोड अनेबल हो जाता है हमारा लॉन्ग टाइम के लिए जब हम शेड्यूल करते हैं मैसेज को, तो हम इसे पे ओके करते हैं। ओके शोइंग डबल टैप एडिटिंग ब्रेक इमोजी गो टू बॉटम इमोजी एडिटिंग ब्रेक सेंड और हम दोबारा सेंड पे लॉन्ग प्रेस करते हैं। कीबोर्ड सेंड विदाउट स्केच सेंड विदाउट साउंड सेंड विदाउट साउंड डबल टैप टू एक्टिवेट क्लिक करते हैं। स्लो मोड Okay, this text is too long to send as one message. Slow mode is active. Okay, this text is too long to send as one message. Slow mode is active. You can't send more than one message at once. Okay. तो हमें बताया जा रहा है कि स्लो मोड एक्टिव है और इस टाइम पे आप एक से ज्यादा मैसेज सेंड नहीं कर सकते हैं, तो हम ओके करते हैं। Show it and send. अब हम सेंड कर देते हैं। Keyboard slow mode. This text is too long. Okay. ओके करते हैं। Show it. अब हमारा ओके हो गया है, स्लो मोड बता रहा था इसमें स्लो मोड अनेबल है। उसके बाद हमने जैसे ओके किया तो ये सेंड हो जाएगा हमारे जो निश्चित डेट है 28 नवंबर 10 o'clock पे, और विदाउट साउंड हमने किया था तो ये मैसेज विदाउट साउंड सेंड हो जाएगा। Telegram-1 of 8. तो इस तरह से आप इन हिडन फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। क्या आप इस फीचर के बारे में पहले जानते थे? यदि जानते थे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी नेक्स्ट